इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। लॉकडाउन में हर किसी के फोन पर एक आवाज सुनाई देती है जो आपसे कहती है COVID-19 के शिकार होने से बचिए, बार बार हाथ धोइए और मास्क पहनिए, जो कहती है स्वस्थ रहिए और सजग रहिए। जी हाँ, वही आवाज। क्या आपको पता है कि वो आवाज किसकी है? वो आवाज है दिल्ली की वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला की। जसलीन ने बताया कि कैसे वो घर घर और सारे देश की आवाज बन गई। एक इंटरव्यू में जसलीन ने कई सवालों के जवाब दिए और जनता को मैसेज भी दिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। जसलीन से पूछा गया कि क्या कभी सोचा था कि आपका काम इतना बड़ा सोशल मैसेज देगा और एक दिन आपको सारा देश सुनेगा। तो जसलीन ने कहा, जी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं साल 2010 से वॉइस ओवर के प्रोफेशन में हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी आवाज़ दी है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, हॉस्पिटल हो, एयरलाइंस हो या फिर रेलवेज के लिए हो। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरह से एक प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से जब ये काम मेरे पास आया तो मुझे पता तो था कि एक सोशल मीडिया मैसेज है, सुना तो जाएगा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि 30 सेकंड के इस ऑडियो को इतना सुना जाएगा और किसी के फोन पर होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। जसलीन से और पूछा गया, कई लोग इससे परेशान भी होते हैं क्योंकि एक ही चीज बार बार सुननी पड़ती है, आपसे कभी भी किसी ने शिकायत नहीं की और खुद भी आपको अपनी आवाज़ सुनकर कैसा महसूस होता है जब आप किसी को फोन करती है। तो जसलीन ने कहा, अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे पता चला, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, कोई बहन करता है तो कोई बेटी कहता है, कुछ लोग मेरी आवाज़ सुनकर मुझे ही सेफ रहने की हिदायत देते हैं, तो वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बार बार तुम्हारी आवाज़ सुनकर इरिटेट हो गए हैं। रही बात मेरी, तो मुझे अपनी आवाज़ में खुद को सलाह देते हुए सुनना कई बार अजीब भी लगता है। बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी माध्यम से आपको इस बीमारी की गंभीरता से अवगत कराते रहा जाए, नहीं तो हम आपको सीरियसली नहीं लेंगे और जब इस बीमारी का दूसरा चरण आएगा तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। हमने लगभग 1.5 महीने काम किया, बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्ड किए, हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए भी काम किया। उस ऑडियो में हमने ये मैसेज देने की कोशिश की कि सामाजिक दूरी बनाए रखने, भावनात्मक दूरी नहीं, कोरोना वायरस का ख्याल रखे, उनके काम को इज्जत दे क्योंकि आपके लिए वो जंग लड़ रहे हैं। वो ऑडियो भी फोन पर खूब चला। हम इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं क्योंकि हम सबकी समस्या एक ही है। इसके बाद जसलीन से पूछा गया, काम तो आपने बहुत किया लेकिन इस काम से आपको जो पहचान मिल रही है क्या कहना चाहेंगी? तो जसलीन ने जवाब दिया, आजकल वॉइस ओवर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि लोग उन्हें पहचाने। कई बार लोग ये सोचते हैं कि रोबोट की आवाज़ है। डेफिनेटली ये बहुत यूनिक फीलिंग है कि लोग जान पा रहे हैं कि आवाज़ किसकी है, और सबसे अच्छी बात कि मुझे लोगों के रिएक्शन भी मिल रहे हैं। हमेशा हमें क्लाइंट का ही फीडबैक मिलता है, लेकिन मुझे पब्लिक का फीडबैक भी मिल रहा है। कोरोना के इस माहौल में सेफ्टी से रिलेटेड एक आवाज़ हर कोई सुन रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मैंने पिछला सारा काम इसी दिन के लिए किया था। मैं अपने काम के जरिए संकट के समय में अपने देश के लिए कुछ कर पाई, इस बात की मुझे खुशी।